स्वा तस्य पितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। जय श्री राम। भगवान जग का कल्याण करो। जय श्री राम। राहुल बेटा बिना बताए आ गए, खुश रहो। ये कौन है बेटा? पिताजी ये सोनम है, लाहौर में मेरे घर के पड़ोस में रहती थी। अच्छा। अनाथ है बेचारी, मुस्लिम आतंकवादियों ने इसके परिवार को जान से मार दिया। अरे राम, इसलिए मैंने इससे शादी कर ली और इसको यहाँ लेके चला आया। अच्छा किया बेटा, बहुत अच्छा किया। सदा स्वागन रहो, खुश रहो बेटा। आओ राहुल, आओ बहू। आओ राहुल, आओ बहू, आओ। चलो बहू, आओ आओ बेटा। आओ बहू, अंदर आओ, आ जाओ। सलामुअलैकुम काजी साहब। वालेकुम अस्सलाम। काजी साहब, पंडित दीनानाथ का बेटा राहुल और बहू सोनम इस्लामपुर में रहने आ गए हैं। अब वो पंडित के साथ इस्लामपुर में ही रहेंगे। अच्छा, यानी कि बुड्ढे ने अपने लौंडे को और बहू को लाहौर से यहाँ बुला लिया। यानी कि उसके मर जाने के बाद तो उसका लौंडा और उसकी बहू काफिरों की फौज को आगे बढ़ाएगी। ये बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। जाइए उसको खबर करिए कि आज शाम को 5 बजे वो यहां हाजिर हो, मैंने उसे बुलाया है। जाइए। बेटा सोच रहे हैं कि सब कुछ यहीं छोड़ छाड़ के हिंदुस्तान चले जाएं। पाकिस्तान का माहौल हिंदुओं के रहने लायक नहीं है। यहाँ के लोग काफिर काफिर कहके हर समय जलील करते हैं। पिताजी, जमीन खेती सब कुछ तो यही है, अभी हमें किसी से क्या मतलब? अपनी मेहनत करेंगे, अपना खाएंगे। अब हम लोग आ गए हैं ना, अब सब ठीक हो जाएगा। इस वक्त कौन होगा? काजी साहब ने आज शाम 5 बजे तुम्हें बुलाया है, टाइम से पहुंच जाना। जी जनाब, पहुंच जाएंगे। कादी साहब ने बुलाया शाम को हमको, भगवान जाने क्या बात है। कादी जी सलाम, आपने मुझे बुलाया था। बुलाया पंडित जी, इस्लामपुर में आप इकलौते एक काफिर हैं जो नस्लों से यहाँ रहते चले आ रहे हैं और हमारी ज़मीन को आपने नापाक कर दिया। मैं अभी तक ये सोच के खामोश था कि उम्र दराज हो रहे हैं आप, जल्दी ही मर जाएं, लेकिन नहीं, आपने तो अपने लौंडे को और अपनी बहू को भी यहाँ बुला लिया है।
यानी कि आपके मरने के बाद यहाँ पर काफिरों की नस्ल का डेरा जमता रहेगा। यह बर्दाश्त नहीं किया जा सकता पंडित। और इस्लामपुर के जितने भी मुसलमान भाई हैं उन सब की ख्वाहिश यही है कि आप, आपका बेटा और आपकी बहू इस्लाम को कबूल कर लें और एक सच्चे मुसलमान बन जाए। हमें हिंदू ही रहने दे, हमें हिंदू ही रहने दे हुजूर। पंडित होश में रहो, होश में। मैं तुम्हें सिर्फ 3 दिन का वक्त देता हूं इस्लाम कबूल करने के लिए। 3 दिन तक तुम्हारे घर में चूल्हा नहीं जलेगा, तुम तीनों भूखे रहोगे। और यह सजा इस बात की है कि तुमने अपनी औलाद को और अपनी बहू को इस जगह पे बुला लिया। हुजूर, रहम रहम हुजूर, हमारे धर्म से आप लोग को क्या परेशानी है? हम तो गांव के कोने में रह के बस अपनी जिंदगी गुजार रहे हैं। देखो पंडित, अगर 3 दिन के अंदर तुमने इस्लाम कबूल नहीं कर लिया तो बाखुदा तुमको, तुम्हारे बेटे को और तुम्हारी बहू को जुमे की नमाज के बाद इस्लामपुर के चौराहे पे सूली पे चढ़वा दूंगा मैं। हुजूर, हमें हिंदू ही रहने थे। चला जा पंडित यहाँ से, चला जा यहाँ से। पर रहम कीजिए। कोई रहम नहीं, निकल जा पंडित यहाँ से। हमें हिंदू ही रहने दीजिए। काजी साहब का कहना मान लो, इसके अलावा तुम्हारे और तुम्हारे घराने के पास कोई दूसरा रास्ता नहीं है। काफिरों की जिंदगी छोड़ो दीनानाथ, अल्लाह के बनाए हुए इस्लाम को कबूल करो, दुनिया में भी खुश रहोगे और अल्लाह तुम्हें अपने नेक बंदों में शामिल करेगा। हुजूर, हम अपना धर्म कैसे छोड़ सकते हैं? ताला डालो। हम पर रहम करिए हुजूर, या तो हम तीनों को हिंदुस्तान भिजवा दीजिए, ना धर्म नहीं बदल सकते। काजी साहब का फैसला बदलता नहीं है, अब तुम्हारे पास भी 1 दिन और बचा है। बेटा तुम लोग जाके बाहर मंदिर की सफाई कर दो। जी पिताजी। जी पिताजी।
पिताजी ये क्या किया आपने पिताजी 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 क्या कर दिया पिताजी 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 ये क्या किया आपने पिताजी हम लोगों को छोड़ आप चले गए पिताजी राहुल बेटा राहुल मैं जीवित रहते हुए अपने धर्म का त्याग नहीं कर सकता कादी जालिम आदमी है कादी का फैसला अटल है तुम दोनों मुझे अग्नि तो नहीं दे सकते मुझे मेरी खटिया पे लिटा के इस घर को ही मेरी चिता बना दो इस घर को आग लगा के तुम दोनों इस्लामपुर से वापस लाहौर चले जाओ वहां जाके हिंदुस्तान एम्बेसी को सारी बात बताओ हिंदुस्तान की हुकूमत तुम जैसे मजबूर हिंदुओं को हिंदुस्तान की नागरिकता दे रही है तुम दोनों वहां सुरक्षित रहोगे हमारे इस पुश्तैनी घर को आग लगा दो तुम्हारा मजबूर पिता पंडित दीनानाथ पंडित का लौंडा और बहू अभी भी जिंदा इस्लाम को छोड़ के भाग रहे हैं जाओ उन हरामजादे काफिरों को पकड़ के लाओ आप जिंदा या मुर्दा जाओ तुम लोग भगवान तुम्हें कभी नहीं माफ करेंगे छोड़ सोनम को कहां भाग रहे थे आज तक काजी साहब से बचकर कोई भाग नहीं पाया है ये इस्लामपुर है यहाँ काजी साहब जो चाहेंगे वही होगा No!
धर्म के नाम पर मेरा पूरा परिवार खत्म कर दिया। मेरे पति, मेरे ससुर जी सबको मार दिया। तुम लोग धर्म के नाम पर जुल्म कर रहे हो। क्या तुम्हारा अल्लाह तुमको धर्म के नाम पर मजबूर और कमजोर लोगों पर जुल्म करके उनको मुसलमान बनाने का हुक्म दिया करता है? हम भी रहम करो, हमको नहीं रहना तुम्हारे पाकिस्तान में। हम शहर जाकर हिंदुस्तान का वीजा लेकर हिंदुस्तान चले जाएंगे। रहम करिए, हमको नहीं रहना। हिंदुस्तान जाके क्या करोगे? हम तुम्हें यहाँ से तुम्हारे भगवान के पास भेज देंगे। सारी दुनिया में पाकिस्तान से खूबसूरत मुल्क कोई दूसरा है नहीं, जहाँ पर अल्लाह के बनाए हुए कानून पर अमल किया जाता है, अल्लाह की इबादत की जाती है और तुम्हारे जैसे काफिरों से नफरत की जाती है। इस्लाम को कबूल कर तुम्हारा निकाह किसी इज्जतदार मुसलमान के साथ करा दिया जाएगा और तुम एक काफिर की जिंदगी की बजाय एक सच्चे मुसलमान की हैसियत से अपनी जिंदगी जियो। अल्लाह अपने बंदों पर मेहरबान होता है। गाजी साहब, अभी आप गुस्से में हैं क्योंकि इस काफिर लड़की ने आपकी बेइज्जती की है। बेशक ये मौत की हकदार है, लेकिन इस वक्त नहीं। अगर अभी आपने इसको मार दिया तो ये आपका जाती फेल माना जाएगा। हम ये समझते हैं कि इसको एक दो दिन का वक्त और देना चाहिए। हो सकता है कि ये लड़की खुद अल्लाह के बनाए हुए इस्लाम को कबूल कर ले और सही रास्ते पर आ जाए। आप ठीक कहते हैं, उसको दो दिन का वक्त और दिया जा सकता है। सुन लड़की, तुझको दो दिन का वक्त दिया जाता है कि तू इस्लाम को कबूल कर ले। खूब इत्मीनान से सोच लो, नहीं तो तुझे जहन्नुम की आग में जलने के लिए भेज देंगे। फिर जाके वहां पर तेरे रिश्तेदार नातेदार सब मिलेंगे जो जहन्नम की आग में सुलग रहे होंगे, दहक रहे होंगे, जल रहे होंगे। ले जाओ इसको, हवेली की कोठी में बंद कर दो इसको और बेगम आयशा से कहो इस पर भरपूर पूरी नजर रखे, ये भागने ना पाए। ले जाइए इसको। काजी उमर शेख और उनकी बेगम बद किरदार आयशा कुछ ज्यादा ही बेरहम हो गए। पंडित दीनानाथ के घराने को अगर प्यार और मोहब्बत से समझाया होता तो शायद वो मुसलमान हो जाते और इस्लामपुर में इतना दर्दनाक हादसा ना गुजरा होता। आप काजी साहब से एक बार बात कीजिए। मैं भी सोच रहा हूँ एक बार बात की जाए, लेकिन काजी जिद्दी है। ले काफी लड़की, खाना खा ले। तुम लोग हमारे पति के कातिल हो, तुम्हारा खाना भी हमारे लिए गंदा है। ले जाओ खाना। ए काफी लड़की, क्या तेरे बाप के नौकर हैं? नगरत रस्ते जल गई पर बल नहीं गया। लड़की क्यों रो रही है? इस लड़की को हवेली में क्यों रखा है? हमारा घर भी नापाक हो रहा है, हम इसको खाना नहीं दे पाएंगे। या तो इसको यहाँ से ले जाइए या इसको मारकर इसकी कहानी खत्म करिए। सलराज मियां, आप इसको समझाइए,
समझ जाए तो बहुत बेहतर है, और अगर नहीं समझती है तो मारकर नदी में फेंक दीजिए। ठीक है खाजी साहब, देखता हूं। ये लड़की तू नादान है। जिंदगी और मौत अल्लाह के हाथ में है। तेरी जिंदगी जीने के लिए शायद कुछ वक्त बाकी है। इसी वजह से अल्लाह तुझे सही रास्ते पर आने का मौका दे रहा है। मेरी बात गौर से सुन नादान लड़की, अगर तू मुसलमान हो जाती है तो अल्लाह इस दुनिया में भी तुझे खुश रखेगा और तेरे गुनाहों को भी अल्लाह माफ कर देगा, वरना मौत तेरे सर पर मंडरा रही है, तू जिंदा बच नहीं सकती। तेरे अल्लाह ने मुझे हिंदू धर्म में पैदा क्यों किया? तेरा अल्लाह जो जमीन पर अनाज उगाता है, क्यों सिर्फ मुसलमानों के लिए होता है? तेरा अल्लाह आसमान से जो बारिश बरसाता है, क्या उसे मुसलमानों को भी बरसाता है? तेरा अल्लाह शरीर में ये जो खून दिया है, इसका रंग लाल क्या सिर्फ मुसलमानों के लिए होता है और गैर मुसलमानों का रंग कुछ और होता है? तेरे अल्लाह ने जिंदगी जीने के लिए जो आबो हवा दी है, जिससे तू अपने जिस्म में सांसें लेता है, क्या वो सांसों पर भी हक सिर्फ मुसलमानों का है? जब तेरे अल्लाह ने खुदा की नेमत पर किसी मुसलमान का टप्पा नहीं लगाया, तू कौन होता है दूसरे धर्म के लोगों को अल्लाह की नेमत से महरूम रखने वाला? कौन सुलझ जाएगा, कौन नरक जाएगा, इसका फैसला तुम लोग कैसे कर सकते हो? जिस एक ने दुनिया बनाई है, दुनिया के हर इंसानों को पैदा किया है, इसका फैसला सिर्फ वो कर सकता है। मेरे पूरे परिवार को तुमने खत्म कर दिया, जो ज्यादती तूने मेरे परिवार वालों के साथ की है, याद रखना मेरा ईश्वर तुझे कभी माफ नहीं करेगा। और तेरा अल्लाह तुझे नहीं बख्शेगा। ये एक विधवा की बद्दुआ है तेरे लिए, जैसे मेरे पूरे परिवार को तूने खत्म किया ना। मार दे मुझे, मार दे, नहीं जीना तुम जालिमों के बीच, मुझे मार दे, मुझे नहीं जीना है, मुझे मार दे, मुझे मार दे। अस्सलाम वालेकुम काजी साहब, खैरियत? इतने सुबह सुबह? अच्छा मैं आता हूँ, जी आ रहा हूँ। सलाम वालेकुम। खैरियत काजी साहब? इतने सुबह सुबह क्यों बुला लिया?
अरे सरफराज भाई, जब से ये मनहूस लड़की इस हवेली में बंद है तब से बहुत बुरे बुरे ख्वाब आ रहे हैं। ये लड़की अभी तक जिंदा है इसीलिए अल्लाह हमसे नाराज है। सरफराज मियां, ये नाश्ता लेकर के उस लड़की के पास जाइए, प्यार से मोहब्बत से उसको समझाइए, समझ जाए तो बहुत बेहतर है, और अगर नहीं समझती है। कायजा मैं कोशिश करता हूं, संभालता हूं। ये तुम्हारा नाश्ता है, काजी उमर शेख ने मुझे हुक्म दिया है कि आज और अभी अगर तुम इस्लाम कबूल ना करो तो हम तुम्हें गोली मारते हैं। हमने फैसला कर लिया। अल्लाह का शुक्र है कि तुम अल्लाह के बनाए हुए सही रास्ते पर आ गए। चलो जल्दी से नाश्ता कर लो, फिर काजी साहब तुमको इस्लाम कबूल करवा देंगे। हमारा फैसला हमारी मौत है, आप हमें गोली मार दीजिए। तैयार? यानी तुम इस्लाम कबूल नहीं करोगी? हाँ, हम अपने धर्म में रहकर मरना पसंद करेंगे। यानी कि तुम मरना चाहती हो? देखो सोनम, काजी उमर शेख बेहद खतरनाक इंसान है, तुम उससे बच नहीं सकती। वो तुम्हारे साथ में जो जुल्म और ज़्यादती करेगा वो तुमको मार देगा, तुम कुछ नहीं कर सकती। अगर तुम जिंदा रहना चाहती हो तुम्हें काजी उमर शेख की बातों को मानना पड़ेगा। से कहते हैं कि तुमने इस्लाम कबूल कर लिया। चलो आओ सुन। काजी साहब, आपकी दहशत अल्लाह की मर्जी से इस लड़की ने कलमा पढ़ लिया है, इस शर्त के साथ में कि ये मुझसे निकाह करेगी। भाई वाह वाह सरफराज मियां, मुबारक हो, निकाह की तैयारी की है। मैं इसको अपने साथ में लेकर जा रहा हूँ। हाँ। इंशाल्लाह निकाह हमारे घर पर ही हो जाए। बहुत खूब, बहुत खूब, बिल्कुल करिए, ले जाइए। मुबारक हो। शुक्रिया शुक्रिया, मुबारक मुबारक। हाँ देखो सोनम, हम भी हिंदुस्तानी मुसलमान हैं। मेरे वालिद और मेरे वालदा बंटवारे के वक्त हमको लेकर पाकिस्तान आ गए थे।
हम हिंदुस्तान की सरजमीन पर ही पैदा हुए हैं, दिल में रहम रखते हैं और अपने अल्लाह से डरते हैं। वो फैसले जो हम खुद नहीं कर पाते वो अपने अल्लाह पर छोड़ देते हैं। तुम यहां महफूज हो, ये तुम्हारा ही कमरा है, तुम यहां आराम से रह सकती हो। सोनम, ये तुम्हारे भगवान का मंदिर है, तुम अपने धर्म के हिसाब से जब तक हम तुम्हें पाकिस्तान से हिंदुस्तान भेजने के लिए कोई रास्ता नहीं बना देते, तुम यहां अपने भगवान की पूजा कर सकती हो। अगर दुनिया में रहने वाला हर इंसान दूसरे इंसान की भावनाओं और दर्द को समझने लगे, या हर इंसान आप जैसा हो जाए, तो ये दुनिया भी स्वर्ग बन सकती है। मेरी बस एक ही तमन्ना है कि मेरे कोख में पल रहे मेरे पति राहुल के बच्चे का जन्म हिंदुस्तान की जमीन पर हो। हम पूरी कोशिश करेंगे, तुम आराम करो, हम इस बात का ध्यान रखेंगे। सरफराज मियाँ भाई, जब से आपकी शादी हुई है तब से तो आपके दीदार करना बड़ा मुश्किल हो गया है। काजी साहब, बस घरेलू जिंदगी में और खेती किसानी में वक्त कट रहा है। बेगम साहब भी पेट से हैं, माशाल्लाह से छठा महीना चल रहा है, उनका भी ध्यान रखना पड़ता है। क्या बात है, वाह, आपने बहुत बेहतरीन काम किया है, एक काफी लड़की को मुसलमान बना करके। भाई वाह, अल्लाह मियाँ आपको इसका आज़ीज़ ज़रूर दे। वैसे आजकल आप भी बहुत मसरूफ़ हैं, जब से हिंदुस्तान का माहौल कुछ ख़राब हुआ है। वजह फरमाते हैं आप, ये सच है, हमारी सरहदों के ऊपर हिंदुस्तानी फौजों ने बहुत माहौल ख़राब कर रखा है, और यहाँ तक कि हमारे जो पाकिस्तानी फौजी हैं उनको भी इन्होंने बहुत बुरी तरीके से मारा है। और जब से कश्मीर में हिंदुस्तानी दस्तूर अमन लागू हुआ है, तब से तो माहौल कुछ ज़्यादा ही बिगड़ गया है, हमारे लोग कुछ कर ही नहीं पा रहे हैं, यहाँ तक कि उनको अपनी जान बचाना मुश्किल हो रहा है।
भाई, इन्हीं सब बातों को लेकर मैं बहुत फिक्रमंद रहता हूँ। सही कह रहे हैं। सरफराज भाई, जरा अंदर आइएगा। अभी आता हूँ। इसमें हमने सब सामान लिख दिया है, शहर चले आओ, सब सामान ले आओ, शाम तक आ जाओ। क्या हुआ सोना? सरफराज भाई, अब तो नौवा महीना भी आ चुका है, हिंदुस्तान जाने का कोई रास्ता बताइए। हम खुद बहुत फिक्रमंद हैं। पाकिस्तान की फौज में मेरे एक दोस्त है मेजर हमीदुल्ला, कल हम उनके पास जाएंगे और तुम्हारी मदद की बात करेंगे। हमें उम्मीद है कि वो तुम्हें पाकिस्तान का बॉर्डर क्रॉस कराकर हिंदुस्तान में दाखिल करा देंगे। कल हम जाते हैं, बात करते हैं। मेजर हमीदुल्ला साहब से कहो, इस्लामपुर से सरफराज खान आए हैं। जी जनाब। आइए जनाब। शुक्रिया। सलामुअलैकुम मेजर हमीदुल्ला साहब। आओ आओ सरफराज, कैसे हो? बैठो। बोलो सरफराज, कैसे आना हुआ? हमें आपसे एक मदद की जरूरत थी। बोलो ना यार, तुम तो मेरे बचपन के दोस्त हो। इस्लामपुर में सब खैरियत से तो है? जी हाँ, इस्लामपुर में तो सब खैरियत है, लेकिन काजी उमर शेख हिसाब दारती कर रहे हैं। हमें उम्मीद है कि इसमें आप हमारी मदद जरूर करेंगे। हम तुम्हारी मदद जरूर करेंगे सरफराज, और तुम्हारी बातों से ऐसा लगता है कि तुम्हारे पास वक्त भी बहुत कम है। तुम एक काम करो, परसों उस लड़की को चुपचाप मेरे पास ले आओ, लेकिन एक बात का ख्याल रहे कि तुम दोनों को आते हुए इस्लामपुर में कोई ना देखे। और हाँ, जब तुम और वो लड़की यहां आओगे तो हमारे गार्ड तुमको बेरोक टोक अंदर आने देंगे। शुक्रिया हमीदुल्ला साहब, हमें आपसे यही उम्मीद। बहुत दिन बाद आना हुआ, वो भी खाली याद आ गया। तुम बिल्कुल नहीं बदले सरफराज। शुक्रिया। क्या हुआ सरफराज भाई, कोई बात बनी? हाँ मेजर साहब, हमारी मदद करने को तैयार हो गए। वो तुम्हें पाकिस्तान का बॉर्डर क्रॉस करा देंगे। तुम्हें कल मेरे साथ उनके घर चलना है। जरूरत का जो भी सामान हो वो पैक कर लो, कल रात में निकलना होगा। हम ये आपका एहसान कभी नहीं भुला पाएंगे। शुक्रिया शुक्रिया शुक्रिया।
हे भगवान, मेरे कोख में पल रहे इस बच्चे की रक्षा करना। सलाम अलैकुम मेजर साहब। वालेकुम सलाम। वालेकुम सलाम। ये सोनम है जी। नमस्ते। बैठो, तशरीफ रखिए। आपको आने में कोई दिक्कत तो नहीं हुई? नहीं जनाब, शुक्रिया। मेजर साहब, हम बहुत खामोशी के साथ में आए हैं। अब इस लड़की की जिम्मेदारी आपकी, आपका जिंदगी भर एहसान रहेगा। आप इसको पाकिस्तान का बॉर्डर क्रॉस कराकर हिंदुस्तान पहुंचा दीजिए, बस। सरफराज, तुमने पहली बार मुझसे कुछ काम कहा, तुम मेरे बचपन के दोस्त हो। बेफिक्र होकर के दो, हम इसको पाकिस्तान का बॉर्डर क्रॉस कराकर हिंदुस्तान की सरहद में दाखिल करा देंगे। शुक्रिया साहब। अब तुम इस लड़की को यहीं छोड़ दो और तुम वापस चले जाओ। अल्लाह इसकी और तुम्हारी मदद करेगा। जाओ सोनम, अल्लाह तुम्हारी हिफाजत करेगा और हिंदुस्तान पहुंचकर एक खैरियत का फोन जरूर कर देना। रुको रुको सोनम, तुम मेरी छोटी बहन की तरह हो। हमारे मुआशरे में पैर छूने का रिवाज नहीं है। तुम्हारी जगह हमारे पैरों में नहीं, दिल में है। जाओ और हिंदुस्तान जाकर अपने बच्चे के साथ में एक नई जिंदगी की शुरुआत करो। मेजर साहब, मेरी इस छोटी बहन को खैरियत के साथ पाकिस्तान का बॉर्डर क्रॉस कराकर हिंदुस्तान में दाखिल करा दिएगा, आपसे यही उम्मीद है। सरफराज खान, तुमने बहुत देर इस लड़की की जिम्मेदारी उठाई, ये बड़ा ही नेक काम। अब थोड़े दिन ये सवाब का काम हमें भी कर लेने दो। इत्मीनान रखो, अल्लाह तुम्हारी और इसकी मदद जरूर करेगा। हम अपनी जिम्मेदारी निभाना बखूबी जानते हैं सरफराज। मैं जानता हूं मेजर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम, खुदा हाफिज। चलो सोनम, चलने का वक्त हो गया। तुम ठीक हो ना? जी चलिए। चल फिर सकती हो ना? हम बिल्कुल ठीक हैं। चलिए।
देख रही हो, ये पाकिस्तान का बॉर्डर है और इसके उस पार तुम्हारा हिंदुस्तान। यही वो खुफिया जगह है जहां से अक्सर हम अपने आदमी हिंदुस्तान में दाखिल किया करते हैं। जाओ, हिफाजत से अपने हिंदुस्तान में दाखिल। सरफराज खान, तुमने ये सोच भी कैसे लिया कि इस काफिर लड़की को जिंदा रखने के लिए हम इसकी मदद करेंगे? इस काफिर की जगह जहन्नुम में है, हमने इसे वहां महफूज पहुंचा दिया। ये लड़की हमारी तरफ से तो आई नहीं, तुम्हारी तरफ से आई है और तुम लोगों ने शायद इसे मार दिया। जनाब, मुझे लगता है कि आपके दिमाग के साथ साथ आपकी आंखें भी कमजोर हो गई। आपको दिखाई नहीं पड़ता इस बच्चे के ऊपर हिंदुस्तान का झंडा लगा हुआ है? ये लड़की हिंदुस्तानी है, रात में पाकिस्तान में घुसने की कोशिश कर रही होगी, मारी गई। नहीं, मैं ड्यूटी पर तैनात हूं। 2 घंटे पहले गोली चलने की आवाज आई थी, हमारी तरफ से कोई भी तुम्हारी तरफ नहीं गया। ये लड़की पाकिस्तान की है, हिंदुस्तान आना चाह रही थी, तुमने मार दिया। चलिए ठीक है जनाब, लड़की तो मर गई है ना, अब इस बच्चे को भी खत्म किए देते हैं, बात खत्म हो जाएगी। रुको, ये लड़की हमारी है, हम इस लड़की की लाश को और इस बच्चे को हिंदुस्तान की कस्टडी में लेते हैं।